पता नहीं मछली खाया कि मंत्री खाया, पता नहीं खाए लेकिन जरूर। अब सुरावने जी ने कहा सही कहा, बड़ा जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि मैं खातो नहीं और खावानू देतो नहीं, लेकिन इतना खाते हो कि डकार भी नहीं देते। और साबित हुआ 400 करोड़ का घोटाला, सरकार ने क्लीन चिट दे दी, सरकार ने कहा नहीं नहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। फिर मामला गया कोर्ट में और हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि घोटाला हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। आज तक गुजरात में सीएजी की जो जो रिपोर्ट आई है कभी गुजरात विधानसभा में टेबल पे क्यों नहीं रखी गई? तमाम घोटाले और भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए एक संस्था लोकायुक्त है, पिछले 8-9 वर्षों से लोकायुक्त की स्थापना क्यों नहीं हुई? जब लोकायुक्त जस्टिस मेहता को बनाया गया तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए, क्यों? क्योंकि लोकायुक्त रहेगा तुम्हें खातो न थी और ये बोलने वालों का जो पूरा घोटाला है उसकी जांच करेगा। तो अपने घोटाले और भ्रष्टाचार को छुपाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 11 सालों से व्यस्त रही। मैं आरोप लगा रहा हूं और तथ्यों के आधार पर आरोप लगा रहा हूं, पिछले 5 वर्षों में गुजरात की सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 26,000 करोड़ का घोटाला इस गुजरात की सरकार ने किया है। अगर हिम्मत है तो सीएजी की वो रिपोर्ट आप विधानसभा के पटल पर रख के दिखाइए, लेकिन पूरे 8 सालों में आप दिखा नहीं पाए। पिछले 2 सालों में कांग्रेस की तरफ से बार बार मांग हुई, अब आप दिखा भी नहीं सकते क्योंकि अगली सत्ता जिसकी आएगी वो कांग्रेस की सत्ता होगी, और जैसे हमारी सत्ता होगी सीएजी की रिपोर्ट टेबल पर रखी जाएगी और भाजपा की सरकार के जिस मंत्रालय में घोटाला हुआ और जिस मंत्री ने घोटाला किया है एक-एक के खिलाफ जांच होगी, छानबीन होगी और उनके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे दोस्तों, एक भ्रष्ट सरकार, विकास के नाम पे झूठे वादे करने वाली सरकार, पूरे गुजरात में घूम घूम के जब हम देखते हैं कि क्या विकास हुआ तो सिर्फ मुझे चमचमाते हुए रास्ते दिखते हैं। ये रास्ते भाजपा वालों ने नहीं बनाए, ये रास्ते सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के फंड, केंद्र सरकार की योजना के तहत पीपीपी मॉडल से बने हैं, राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं। गांव में अगर घर बने, शहर में तो घर बने नहीं सरकार के, गांव में घर बने तो इंदिरा आवास योजना के तहत घर बने, उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड भेजा। यानी राज्य सरकार ने झूठ बोलने और विकास के नाम पे सिर्फ पूरे देश के चैनल में, अखबारों में पब्लिसिटी करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। ऐसे भाजपा की सरकार को उखाड़ कर यहां से तड़ी पार करने की जवाबदारी आप सभी लोगों की है, यह निवेदन करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। एक बहुत अच्छी योजना हमारे यहां महाराष्ट्र में चल रही है और मैं आपके सामने उस योजना के आधार पर सवाल रखूंगा। आप इतने सारे लोग यहां पे हैं, आपके परिवार में कोई अगर बीमार पड़ जाए तो कभी आज तक सरकार ने आपको संभाला है? कभी कहा सरकार ने कि साहब बीमार हैं, आपका इलाज हम कराएंगे बगैर पैसे के, आपको पैसा खर्चा नहीं करना है? ये योजना नहीं यहां पे, लेकिन ये योजना हम लोगों ने महाराष्ट्र में चला रखी है, राजीव गांधी जीवनदायी योजना। राजीव गांधी जीवनदायी योजना के तहत 972 तरीके के ऑपरेशन, कोई भी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति हो जो अपना इलाज अपने पैसे से नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति के लिए सबको सिर्फ राशन कार्ड दिखा के उसका सारा का सारा इलाज हम लोग महाराष्ट्र में फ्री में कर रहे हैं, मुफ्त में करके दे रहे हैं। चाहे किडनी का इलाज हो, किडनी ट्रांसप्लांट का 5 लाख रुपए का जो खर्चा है वो भी महाराष्ट्र सरकार अपने ऊपर लेती, हार्ट का ऑपरेशन, कैंसर का इलाज, सारे इलाज पूरे महाराष्ट्र के एक एक नागरिक का हम करते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार अगर आपने कांग्रेस को मौका दिया, एक बार अगर आपने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया गुजरात में सत्ता में आने का अगली बार, तो उस सरकार को मैं सोनिया जी से निवेदन करूंगा, अपने कांग्रेस अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि गुजरात में कांग्रेस की आने वाली सरकार महाराष्ट्र के इस राजीव गांधी जीवनदायी योजना को लागू करे ताकि गुजरात के सभी गोर गरीब, कमजोर और जरूरतमंद लोगों को फ्री में इलाज कराने की जवाबदारी हम ले सके।
बहुत बड़ी बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है। 8-850 करोड़ का खर्चा हमको आता है साल में, 8-850 करोड़। ये जो भाजपा के सरकार ने तमाम उद्योगपतियों और बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए पता नहीं कितने हजार करोड़ बर्बाद कर दिए, 9000 करोड़ एसआर को दिया, वैट माफ किया, एक उद्योगपति को 9000 करोड़ का वैट माफ करते हैं, पता नहीं कितना कमीशन खाते हैं आप, ये तो आप जानो और उद्योगपति जाने, हमको तो मालूम नहीं। लेकिन 9000 करोड़ उद्योगपति का माफ करने के बाद आपके पास पैसा कहां बचेगा जो गरीब लोगों को मदद कर सके? तो गरीब लोगों को मदद करने के लिए कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाने पड़ेंगे, और वो काम हम करते हैं। तो केंद्र सरकार से लेके महाराष्ट्र सरकार तक एक गौर गरीब जनता, सर्व सामान्य जनता, कमजोर जनता, जरूरतमंद जनता और हर वर्ग की जनता। कल हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, वहां नवसारी में आए थे, उन्होंने कहा कि गुजरात में अल्पसंख्यक असुरक्षित है, ये सच है, अल्पसंख्यक परेशान है, डरा हुआ है, विशेषकर 2001 और 2 के बाद से। उन्हें कहा सामान्य सी बात थी, पूरी चारों तरफ की चर्चा है, पूरी दुनिया जानती है। इन्हें पलट के जवाब क्या दिया कि नहीं, महाराष्ट्र की एक लड़की ने चिट्ठी लिखी है कि अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित गुजरात में हम आने वाले हैं। अरे इतना झूठ तो मत बोलो, कांग्रेस और भाजपा दो अलग अलग विचारधारा है, हमारी विचारधारा प्रेम और मोहब्बत के आधार पर विचारधारा है, जबकि भाजपा की विचारधारा नफरत के आधार पर बनी हुई विचारधारा है, भाई से भाई को लड़ाने वाली विचारधारा है, जाति के नाम पे और धर्म के नाम, मजहब के नाम पे लोगों के बीच नफरत फैलाने वाली विचारधारा है, जबकि कांग्रेस पार्टी में चाहे कोई किसी भी वर्ग का है, हमारा हिंदुस्तानी है, हमारा है, वो गरीब है, कमजोर है, आदिवासी है, दलित है, माइनॉरिटी है, अगर उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उसके लिए पूरी पार्टी, पूरी सरकार उसको संरक्षण देने के लिए खड़ा रहती है और उसको हमेशा संरक्षण देती है। और सबसे ज्यादा कमजोर लोग कहीं संरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं, तो हमारे यहां महाराष्ट्र में है, जहां जहां कांग्रेस का राज है। पूरे देश में अगर माइनॉरिटी के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मेजॉरिटी को नहीं समझते, हम जानते हैं 80% है, मैं खुद हूं, 80% हम लोग हैं, 15-20% वो हैं। हमको, हमारी ये जवाबदारी है, भारत की ये परंपरा है, जो मजबूत होता है उसको अपने कमजोर को संभाल के लेके चलना पड़ता है। ऐसे कमजोर की हिफाजत होनी चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए, ये विचार लेकर के कांग्रेस पार्टी पिछले 700 वर्षों से देश की आजादी से लेके हिंदुस्तान के विकास तक का काम कर रही है। आने वाले दिनों में जैसे पूरे देश का विकास अनवरत हम कर रहे हैं, गुजरात का भी विकास की जो गंगा है वो यूं ही बहे, इसके लिए आवश्यक है कि कांग्रेस की सरकार लाने में आप लोग मदद करें। हमारे तीनों भाई, हमारे राजपूत साहब, एक जैन साहब और एक पटेल साहब, यानी तीनों कम्युनिटी को यहाँ पर एक गुलाब का फूल बनाकर आपके सामने गुलदस्ता बना के पेश किया गया है। ऐसे तीनों कम्युनिटी के जो नेता हैं, ऐसे नेताओं को आप लोग आशीर्वाद दें और कांग्रेस की सत्ता लाएं। इन तीनों का जो तीनों का चुनाव चिन्ह मतलब बताने की जरूरत नहीं है, हमारा चुनाव चिन्ह क्या जल्दी बताइए, तो इसी पंजे पे आपका आशीर्वाद चाहिए, ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।